उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक बार निजी कार्यक्रम में आए प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह और धुन्नी सिंह ने किसानों द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर बेतुका बयान देते हुए कहा कि किसानों की आदत हो गई है धरने में बैठना, उनका पेशा है। समय से पहले ऐसा कोई गोदाम नहीं है जहां पहले से बीज ना आ गया हो। सारा डाटा रहता है कि कहां कितना बीज पड़ा हुआ है और 70% सब्सिडी देते हैं। गेहूं चना का बीज एडवांस में भेजे जाते हैं। फर्जी बात करने से कोई बात नहीं बनती, उनका तो पेशा है खड़े होने और अपनी बात कहकर हनक बनाकर चले जाना। वह स्वयं ही गेहूं ना बोते होंगे, अपना खेत ना देखा होगा। नेता बन जाने से कोई किसान नहीं होता, उनका पेशा है धरना प्रदर्शन करना। खुद कभी खेत ना गए होंगे, खुद नहीं पता होगा कि क्या बोया गया है खेत में। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने कहा कि खुद उन्हें नहीं पता कि सबसे ज्यादा जमीन उनके पास है और वह खुद खेती करवाते हैं। अगर उनसे ज्यादा जमीन किसी के पास होगी तो वह जमीन छोड़ देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि RCEP के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिसे लागू नहीं होने देंगे, इसका किसान द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अतिवृष्टि के चलते किसानों के बर्बाद हुई फसलों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला, जिसका विरोध किसान यूनियन कर रहा है। या धुन्नी सिंह से पूछ लेना कि राजेश सिंह चौहान के पास जमीन है कि नहीं है, उनसे ज्यादा जमीन है। दुनिया को छोड़िए, मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, मैं प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हूँ, राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा हूँ। और माननीय खाद रसद मंत्री से आप पूछ लीजिएगा, उठा के खसरा खतरा उन्हीं देख लेगी। अगर उनसे 19 जमीन हो तो मैं उसी दिन जिला छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं वो चले जाएंगे। देख लीजिए आप जा करके। किसान माँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं मुरादीपुर पे, उनका आरोप है कि समय पे सरकार ना तो डाइट दे रही है और अत्यधिक बिल उन लोगों के ऊपर एक बोझ ला दिया गया है और ना बीज मिल पा रहा है ना उनको पानी मिल पा रहा है। सरकार वादे कर रही पर वादे में खड़ी नहीं उतर रही। वो धरने में बैठना उनका पेशा है। मुझे लगता है कि समय के पहले ऐसा कोई गोदाम नहीं है जहाँ पे हमारा बीज ना आ गया हो। समय के पहले हमारे पास डाटा रहता है किस जिले में कितनी हमें DAP की आवश्यकता होती है, कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है और कितना हमें बीज बांटना होता है। क्योंकि हम 70% सब्सिडी देते हैं और वो सब्सिडी हम देते हैं 3 साल के बाद हर किसान को। तो जब हम सब्सिडी देते हैं तो हमारे पास डाटा रहता है और उस हिसाब से हम गेहूँ का भी, चने का भी, जौ का भी एडवांस में भेज देते हैं। ऐसा कोई गोदाम आप बता दीजिए जहाँ पर बीज ना हो। फर्जी बात करने से कोई बात नहीं बनती है, उनके तो पैसा है खड़े होना, धरना देना, फिर अपनी बात कह के अपनी हनक बना के चले जाना। वो स्वयं ही गेहूं न बोते होंगे, अपना खेत न देखा होगा, उन्होंने पता ही नहीं होगा कि उनके चेक में कभी चना बोया जाता है कि नहीं, जौ बोया जाता है कि नहीं, कहाँ बोया जाता है, किस समय बोया जाता है, ये भी पता नहीं होगा। नेता बन जाने से कोई किसान नहीं होता। है कि हमारे देश में केंद्र सरकार ने RCEP के जरिए 7-8 देशों से समझौता किया, जिसमें चीन भी एक है। दूध, सब्जियां, फल, इस तरह के तमाम चीज़ें वो हमारे देश को भेजेंगे। वहां के किसानों को 100% सब्सिडी है, 0% लागत में वो फसलें पैदा करते हैं और वो मार्केट में ले जाते हैं। जब उनकी 0% लागत पे फसलें हमारे देश में आएंगी तो हमारे देश का किसान किस भाव में अपनी फसल बेचेगा? आज भी जो MSP रेट है उस पर हम माल नहीं बेच पा रहे। RCEP के हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसको नहीं लागू होने देंगे देश के अंदर। हम अपना बीज डंप करके रख करके उसको बो नहीं सकते। अगर उस बीज को हम बोते हैं तो हम कानूनन, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनन जुर्म होगा। इन सब तमाम कानूनों को लेकर हम विरोध कर रहे हैं। और एक घटना यहाँ हुई थी हमारे कार्यकर्ता का, दिन की तहसील में नगर पालिका ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, उसका एक मुद्दा था। जिले में फसलें बर्बाद हुई, किसानों के बाल भारी बारिश से, अतिवृष्टि से, उसके मुआवजे की मांग है। दीवाल घर गिरे, तमाम सड़कें बर्बाद हैं पूरे जिले की। इन तमाम मुद्दों को लेकर के पंचायत आहूत की गई है। मेन मुद्दा हमारा RCEP को देश से भगाना है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। टिकैत जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में 24 तारीख को RCEP की विरोध में हम लोग पंचायत कर रहे हैं और वो काला कानून किसान के हित में नहीं है। उस और किस तो...